जय माता दी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं माँ वैष्णो देवी के एक ऐसे मंदिर में जहाँ पे माता ने कन्या रूप में 110 वर्ष रही हैं। हम बात कर रहे हैं कटरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवा माई मंदिर की। तो चलिए आपको पूरे दर्शन कराते हैं माता रानी के इस मंदिर के और यात्रा कराते हैं। जय माता दी। अभी हम कटरा चौक से निकल चुके हैं। हमने ऑटो बुक किया था तो इसका चार्ज है 500 रुपीज। तो ये दर्शन करा के वापस भी हमें कटरा चौक पे ही छोड़ेंगे, तो वहाँ पे एक घंटा वेट करेंगे, दर्शन करके हम वापस आएंगे, तो वापस लेके हमें कटरा आ जाएंगे। कटरा आने वाले 90% यात्रियों को इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है, और लोकल लोग ही जानते हैं या ऑटो वाले जानते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं। अगर आप आते हैं आगे से तो यहाँ पर ज़रूर दर्शन करिए। कहा जाता है कि अगर आप किसी कारणवश माता रानी के दर्शन करने भवन पे नहीं जा सकते तो आप इस मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं माता के। आपको पूर्ण फल वही मिलता है माता रानी के दर्शनों का। अभी हम जा रहे हैं देवा माई मंदिर की तरफ और ये आ गया है नगर निगम का टोल। अगर आप अपनी गाड़ी लेके दिल्ली साइड या पंजाब साइड हरियाणा साइड से आते हैं तो यहाँ पर आपको रोका जाता है। तो अभी हम यहाँ से राइट हो रहे हैं मंदिर के लिए। ऊपर पहाड़ी के ऊपर पड़ता है ये मंदिर बिल्कुल टॉप पे, और यहाँ का रास्ता बहुत ही शानदार एकदम अच्छा रास्ता है, बहुत ही साफ सुथरा और घने जंगलों से होता हुआ जा रहा है। अभी ऊपर जाना है हमें बिल्कुल टॉप पे, और कटरा चौक से इसकी दूरी जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और ये है मंदिर जाने का रास्ता। हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। अभी हम देवा माई मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आते हैं तो यहाँ से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं तो अभी हम सीढ़ियों से जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और यहाँ तक ऑटो छोड़ देगा आपको नीचे जहाँ पे ऑटो खड़े हैं। और अभी ऊपर चलते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, और सामने माता रानी का त्रिकुटा पर्वत भी नज़र आता है। पूरा रास्ता दिख रहा है भवन का और अर्धकुंवारी भवन का, और पूरा कटरा दिख रहा है सामने। वो देखें, ये है सामने त्रिकुट पर्वत। तो अभी चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है, बहुत ही शांत जगह है। तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ देवा माई, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। माता दी, यहाँ है मेन मंदिर और सामने हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है, और यहाँ से व्यू पॉइंट बना हुआ है बहुत ही अच्छा। और सामने त्रिकूट पर्वत दिख रहा है, पूरा रास्ता है यहाँ से। ये देखो अर्धकुंवारी भवन दिख रहा है यहाँ से, और सांची छत दिख रहा है, भैरव बाबा का मंदिर। पूरे एरिया का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है यहाँ से। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं। और यहाँ पे एक प्रसाद की शॉप है, वहाँ पे प्रसाद लेते हैं फिर चलते हैं दर्शन करने। जय माता दी। ये माता जी का दूसरा दर्शन है। यहाँ माता जी 110 साल कन्या रूप में विराजमान है। उस वाले पत्थर पे बैठ के माता जी खेलती थी, वो सामने वाले पत्थर, जैसे जो ऊपर नहीं जा पाता है इधर आके दर्शन कर लेता है, जिसने मन्नत ऊपर मांगी वो नहीं चढ़ा सकता है इधर आके चढ़ा सकता है। जय माता दी। जय माता दी। कैसे प्रकट हुई यहाँ पे माता रानी, चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं। माता रानी के अनन्य भक्त पंडित श्रीधर जी के चौथी पीढ़ी में 4 भाई हुए। इनमें से सबसे छोटे का नाम बाबा श्यामी दास जी है। विवाह के बहुत समय बाद भी संतान ना होने से परेशान बाबा श्यामी दास जी ने अपने पैतृक निवास छोड़कर यहाँ आके रहने लगे, जहाँ पे आज देवा माई का मंदिर है। इसी स्थान से बाबा श्यामी दास जी माता रानी की नित्य सेवा करने त्रिकूट पर्वत पर जाते रहते थे। लगभग 12 साल 9 महीने तक ये सेवा चलती रही। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा, परंतु उन्होंने माता वैष्णो देवी की सेवा निरंतर जारी रखी।
शारीरिक रूप से अस्वस्थ और दुर्बल होने पर भी उन्होंने अपने नियम और निष्ठा का त्याग नहीं किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न माँ वैष्णो देवी जी ने उन्हें अपने पूर्ण साक्षात रूप में दर्शन दिए और उनसे कहा कि अब मैं आपके घर आ गई हूँ, आप अब मेरी सेवा यहीं करो और त्रिकूट पर्वत पर रोज जाने का नियम को विराम दे दो। दर्शनों के बाद माँ ने कन्या रूप धारण कर लिया। उसके पश्चात 110 साल तक बाबा स्वामीदास जी के घर में कन्या रूप में ही रही, जहाँ पे आज देवा माई का मंदिर है। माँ देवा माई जी चैत्र नवरात्रि के 7वीं के दिन प्रकट हुई। 110 साल अपनी बाल लीलाएं करने के उपरांत अश्विन नवरात्रि के 7वीं के दिन धरती में विलीन हुई। जब धरती में विलीन हुई तो उसी समय धरती से दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई, जिसे हम आज पूजा करते हैं। धरती में विलीन होने से पहले देवा माँ ने एक वरदान दिया, जो भी भक्त किसी कारणवश त्रिकूट पर्वत पे वैष्णो देवी मंदिर में नहीं जा सकते, वे यहाँ पे आकर मेरे दर्शन करेंगे तो उन्हें भी वही फल प्राप्त होगा जो वैष्णो देवी जी के दर्शन करने से प्राप्त होगा। जो यह शिला देख रहे हैं आप, इस पे माता रानी खेला करती थी अपने बचपन में और ये काफ़ी प्राचीन शिला है और 110 वर्षों तक यहाँ पे माता रानी ने अपना बचपन बिताया इस स्थान पे। अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे। अगर आप कटरा आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने तो यहाँ पर ज़रूर आइए। ये कटरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वहाँ पर आपको ऑटो मिल जाएंगे, टैक्सी मिल जाएंगे। ऑटो वाले 500-600 रुपए लेंगे आपको, जैसे आपकी बातचीत हो जाए उनसे। और यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइए, बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। भाई अगर आपको माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद अगर लोकल दर्शन करने हैं तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको भाई देवा माई और लोकल धनसर बाबा, जित्तो बाबा और नौ देवी दर्शन करा देंगे। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए इनसे और बहुत ही अच्छे दर्शन कराएंगे, आराम से रुक जाते हैं। कहीं भी घूमना होगा लोकल में आप मेरा नंबर रख लेना 6005288578। और कटरा चौक पे ही मिलेंगे भाई, कटरा चौक से आपको पूरी सर्विस मिल जाएगी। होटल पे भी आ जाएंगे अगर आप इनको फ़ोन करोगे, आसपास में होंगे तो। अभी हम दर्शन करके वापस आ चुके थे कटरा चौक पे और हम आ गए हैं प्रसाद लेने। तो यहाँ से प्रसाद लेके हम जाएंगे सीधा रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज शाम की हमारी ट्रेन है। जय माता दी दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पे, तो हमारे दर्शन हो गए हैं बहुत ही अच्छे माता रानी के। आज हमारी दिल्ली की ट्रेन है तो अभी शाम के 6:30 बज गए हैं और यह है कटरा रेलवे स्टेशन। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। जय माता दी।